तो हेलो गाइस, वेलकम टू सोलंकी व्लॉग्स। और आज हम लोग ट्रिप करने वाले हैं मुंबई की, लखनऊ टू मुंबई, जो कि हमारी 8 बजे की फ़्लाइट है। और अभी हम लोग अभी सो के उठे हैं, मैं और जीशान भाई। अभी हमारे कासिम भाई भी हैं, वो भी वॉशरूम में गए हैं। तो अभी देखिए, अभी थोड़ा रेस्ट करते थोड़ी बहुत देर, फिर अभी निकलेंगे 2 घंटे बाद, ऊबर बुलाएंगे, फिर जाते हैं। आपको आज दिखाते हैं अपनी ट्रिप। हम थोड़ी देर आराम करने बैठ गए थे, तो हमारे जीशान भाई अपने फ़ोन में लग रहे थे। इन्होंने अपना आईफोन ले लिया है नया, तो इन्होंने अपने पता नहीं आईफोन में कौन सा ऐप डाउनलोड कर लिया, क्या कर लिया सेटिंग में जाके, तो इनका आईफोन लॉक हो गया बिल्कुल। ना इनका पासवर्ड मानना, ना कुछ फेस लॉक मानना, कुछ नहीं मानना। पता नहीं, बेचारे बहुत परेशान हैं। अब इनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड है और जितने भी दोस्त हैं, सब परेशान हो रहे हैं इनको देखने के लिए। अब ये इनका कुछ नहीं हो रहा, इनका फ़ोन लॉक हो चुका है, आईफोन लॉक हो चुका है। तो गाइस, हम लोग होटल से निकल के आ चुके हैं और अब लोग हम लोग जा रहे हैं अभी कहीं खाना खाने, रेस्टोरेंट वगैरह में, और देखते हैं आगे चल के क्या होता है, कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है। तो आपको कपड़ों की प्लानिंग कर रहे थे क्या? अभी हम लोग अभी शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए वैसे हमारे पास कोई ड्रेसिंग वो नहीं था, कोई ड्रेस वगैरह नहीं थी, तो हम लोअर टी शर्ट में निकल चुके हैं। अभी आगे अगर शॉप वगैरह मिलेगी तो अभी टी शर्ट लोअर पैंट वगैरह खरीदेंगे। और आपको बताते हैं, जीशान भाई हमारे जो भी हैं बहुत शो ऑफ करते हैं, और इनको भी टी शर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब ये टी शर्ट खरीदेंगे, थोड़ा फोटो शूट करेंगे एयरपोर्ट पे जाके, कटिंग भी दिखा दी इन्होंने अपनी बैक करके। सो भाई, हमारे साथ विकास भाई जुड़ चुके हैं, बहुत टाइम लगा है इन्होंने, हमें वेट करवाया, और हम इनसे पूछना चाहेंगे। आप विकास भाई, क्या कैसा फील कर रहे हो आप, एक्सप्लेन योर फीलिंग्स, बताइए कुछ। भाई बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही हंग्री फील कर रहे हैं, क्योंकि आज निकले हुए बहुत देर हो गई, लेकिन काफी जाम, काफी रश और क्रॉसिंग मैं झेल गया। ऊपर से राहुल ने इतना फोन करके कचवा दिया कि हम सोचे कि सब गड़बड़ी हो जाएगा। पहले तो भाई इनका फर्स्ट टाइम है, तो इन्होंने पहले पूरा शेड्यूल अपना नेट पर चेक कर लिया था, ये मतलब कितनी देर पहले जाना है, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले जाना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी रेस्टोरेंट में बैठे कुछ खाना पीना खाएंगे, फिर आपको मिलाते हैं। अपने एक भैया और आ रहे हैं, विकास भाई के भैया आ रहे हैं, तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको। ठीक है भाई, ये आगे कान्हा स्टेडियम लखनऊ का लार्जेस्ट स्टेडियम है जी भाई। पहला जो है सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया का, वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात वाला, और अब दूसरे पे ये है। ठीक है भाई, और देखिए ये लखनऊ, हमारे विकास भाई बहुत एक्साइटेड होते हुए इतनी जल्दी जल्दी जाते हैं। और ये मॉल देखिए, प्लास्टिको, ये फॉरेन कंट्री का मॉल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा भाई अंदर से, ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें इसे। तो भाई लुलू मॉल आ गए हैं, लुलू मॉल आ गया, अब हम आपको लुलू मॉल दिखाने जा रहे हैं। और हमारे जीशान भाई लुलू मॉल में बहुत ज्यादा ही ज्यादा घूमे हैं, लखनऊ आते हैं जब जब ये लुलू मॉल घूमते हैं, लुलू मॉल में जाते हैं, 100-200 रुपए वाली टी शर्ट देखते हैं। और यहाँ पर मैचों की बात चल रही है, करवा दो ना, तो क्या हो गया, मैच सिंगल डबल विकेट की बात चल रही है, पर क्रिकेट मैचों की बात चल रही है, टूर्नामेंट जो रहा यूपी का, जो यहां से यूपी का टूर्नामेंट चला जाएगा वही जीत लेगा। विकास भाई पता नहीं क्यों परेशान है, इतनी जल्दी गाड़ी चला रहे हैं। विकास भाई इनको पहली ट्रॉफी दिलवा दो। और आगे लुलू मॉल गार्डन, देखिए कितनी चमक हो रही है लुलू मॉल में, और ये XUV8W8 निकलती हुई, और ये जीशान भाई का बहुत मतलब जीशान भाई का चाहता मॉल है। यहाँ से 100-200 रुपए वाली टी शर्ट खरीदने आते हैं, पर खरीद नहीं पाते क्योंकि रेट बहुत हाई है इसकी। 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं फाइनली, देखिए व्यू, देखिए एयरपोर्ट का, और जीशान भाई हमारे, और हमारे कासिम भाई और विकास भाई, विकास भाई देखिए ड्रेसिंग सेंस, देखिए विकास भाई का शर्ट जींस, और ये हमारे दोनों प्लेयर स्पोर्ट्स किट में, और ये भैया हमें छोड़ने आए हैं, ये अब हमारी गाड़ी को लेके जाएंगे विकास भाई की। और आगे ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ, खाने पीने के लिए जा रहे हैं हम। और हमारे जीशान भाई जो है अब अपने फ़ोन में लग चुके हैं, ये अब अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, और ये पूरा कंटिन्यू लगे रहेंगे, क्योंकि ये पहले से शेड्यूल बता के आए थे कि मेरी 8 बजे फ्लाइट है, तो मेरे को आप 1-1.5 घंटे पहले कॉल करते रहे ना, 6 बजे का शेड्यूल बता के आए थे, मैं इनको दिखाऊंगा वीडियो कॉल करके। तो ये हमारे भाई बहुत, हमारे जीशान भाई बहुत एक्साइटेड होते हैं फ्लाइट की ट्रिप करने के लिए, और विकास भाई हमें ले आ रहे हैं कुछ खाने खिला पिलाने के लिए। और देखिए इन तीनों के पास बैट हैं, मेरे पास नहीं है भाई, क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ, ये 2 बैट्समैन हैं, और मैं और कासिम भाई ऑलराउंडर हैं, ये दोनों बैट्समैन हैं। मैं आ गए हैं फूड कोर्ट में, तो अब कुछ खाएंगे पिएंगे यहाँ पर, और भूख लगी बहुत तेज़, हमें चारों लोगों को भूख लगी भाई, बहुत दूर से सफ़र करके आए हम, 2 लोग आगरा से सफ़र करके आए, हमारे कासिम भाई आजमगढ़ से आए, और विकास भाई जो वॉशरूम गए वो आए गोंडा से, तो बहुत लंबा सफ़र किया, भूख लगी बहुत तेज़। अब कुछ ऑर्डर किया जाए खाने को,
अभी ऑर्डर कर रहे थे तो मैंने जितनी सारी चीजें देखी मुझे सबसे बेस्ट यहाँ पर एक थाली लगी हुई है, यहाँ की एक अल्टीमेट थाली, ये मुझे बेस्ट लगी है, मैंने अपने लिए ये ऑर्डर किया है। और ये जो नॉनवेज, जो हमारे दो लोग नॉनवेज खाते हैं, जीशान भाई जो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा अनपढ़ है, पढ़ नहीं पा रहे हैं जीशान भाई, तो इसलिए ऑर्डर नहीं कर पा रहे। ये जीशान भाई ने हमारे ने ऑर्डर किया था फ्रेंच फ्राइज और क्या नाम है सैंडविच, और हम लोगों ने एक बेस्ट थाली की थी मैंने और विकास भाई ने, और ये दो पराठे अभी लोग खा रहे हैं। अभी कासिम भाई का चिकन आना बाकी है और मैं और विकास भाई की थाली में शेयर कर रहे हैं। इतनी बार कहा लोगों ने, सभी लोगों ने खाना खा चुके हैं अभी, और हमारे भाई लोग अभी कॉफ़ी और चाय का एंजॉय कर रहे हैं, देखिए चाय कॉफ़ी का एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना खा के बैठे हैं। अब हमारी फ्लाइट का टाइम हो चुका है तो जा रहे हैं अब चारों लोग। अब विकास भाई, अब मेरी कॉफ़ी रह गई है, तीनों लोग चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो विकास भाई क्या कहना चाहोगे खाने के बारे में, यहाँ के फूड कोर्ट के बारे में? रोल अच्छा नहीं था हमारे, कासिम भाई को पसंद नहीं आया रोल। और जिशन भाई आप क्या बोलना चाहोगे? मेरी तरफ से एक फ्लाइट की ट्रिप आपको मिलेगी, आप बिकॉज की स्पेलिंग सुना दीजिए। तो आगे मिलते हैं भाई, अभी आपको मिलते हैं। अभी खाना खा के निकल चुके हैं और मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ इस समय, और अभी अब हम अंदर जाते हैं बोर्डिंग करने जाएंगे अभी। अब आपको बताता हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप हम अंदर जाने वाले हैं, और हमारे विकास भाई रेडी हैं बिल्कुल पूरी स्पोर्ट्स किट में, और हमारे जीशान भाई दोनों हैं। अभी हम ये ज़्यादातर इन्होंने ट्रैवल कार में किया है, तो अब ये हमारी तरह ट्रैवल करना चाह रहे हैं बहुत। हाँ, और पहली बात फ्लाइट में खड़े होकर नहीं आते विकास भाई, और जो भी अभी जो शेड्यूल है वो आपको बताऊंगा भाई, लगेज का और सिक्योरिटी चेकिंग का भी आगे आपको शेड्यूल धीरे धीरे बताता रहूँगा स्टेप बाई स्टेप। हम पहुँच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट, और एंट्री करने के लिए अभी हमें टिकट और आईडी प्रूफ की ज़रूरत होगी, जो कि जो सीआरपीएफ वाले हमारे जो गार्ड्स होते हैं वो चेक इन करते हैं। और ये आई लव लखनऊ, देखिए बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है, देखिए सभी, और हमारे टीममेट्स धीरे धीरे चल रहे हैं किट बैग टांग के, अपना क्रिकेट बैट टांगते हुए, और बहुत ही भीड़ लगी हुई भाई, देखो अभी लाइन लगी हुई है अभी, और हमारी 8 बजे की फ्लाइट है, और मैं चाहता हूँ आज हमारी फ्लाइट छूट जाए क्योंकि विकास भाई की कॉल थी, तो विकास भाई ने टिकट करवाई थी, तो मैं चाहता हूँ फ्लाइट छूट जाए हमारी। अब देखते हैं अब क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, लाइन बहुत भीड़ है, बहुत लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं प्रस्थान, देखिए अभी, और टिकट चेक हो रही है यहाँ पर एंट्री गेट पर, फिर आगे बोर्डिंग पास निकालेंगे अंदर, फिर बैट हमें, फिर अब चेक इन कराना, फिर सिक्योरिटी चेक इन, टाइम होता आ रहा है धीरे धीरे। जीशान भाई हमारे फ़ोन में लगे हुए हैं, उनके कॉल ही इतने आते हैं, पता नहीं इतने बिजी पर्सन है, इस सीज़न की सबसे ज़्यादा क्रिकेट की कॉल जो है इनके पास आई है हमारे नॉर्थ जोन के अंदर। होगा बोर्डिंग पास निकल रहा है अभी, देखिए, और आगे का प्रोसेस अभी चेक इन करवाना, क्योंकि हमारे पास 3 क्रिकेट बैट हैं, तो अभी आगे चेक इन करवाना है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होगा। वो चेक इन करवाने आए हम, हमारा है एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो हम चेक इन करवा रहे हैं, जो विकास भी हमारे लगे हुए हैं, विकास भी लगे हुए हैं, और हमारे जीशान भी लगे हैं, क्योंकि हमारा बोर्डिंग पास वहाँ से जनरेट नहीं हुआ, तो यहीं चेक इन काउंटर से मिलेगा, बैग भी देना है, बैट वगैरह हमें चेक इन काउंटर पे देना है, और आगे चल के हमारा सिक्योरिटी चेकिंग होगा उधर। फाइनली अपना फ़ोन भाई, मैं सभी को बताना चाह रहा हूँ, जो भी फ्लाइट से ट्रैवल करता है वो हमेशा मतलब एयरपोर्ट पर 2 से 3 घंटे पहले आना चाहिए, कोई ये ना सोचे कि 1 घंटे पहले ही, मतलब आधा घंटे पहले, कभी ना फ्लाइट छूट सकते उसकी। और हमारे जो विकास भाई हैं वो बहुत जल्दी, मतलब सुबह से एक्साइटेड थे तो वो जल्दी आना चाह रहे थे। विकास भाई क्या कहना चाहोगे, विकास भाई क्या कहना चाहोगे, आप बहुत जल्दी आना चाह रहे थे, आपको आप बड़े हो, आपको पता ये फनी मोमेंट, हम लोगों ने बोर्डिंग पास ले लिया है अपना, और अब हम जाते हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, बोर्डिंग पास ले लिया हम लोगों ने, और हम लोग अब जा रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, और हमारे साथ जीशान भाई जुड़ चुके हैं, ठीक है, अभी आपको सिक्योरिटी चेकिंग दिखाते हैं। सिक्योरिटी चेक इन, कितनी भीड़ लगी हुई है भाई, अभी 50 मिनट है अभी फ्लाइट को निकलने में, तो अभी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे,
वैसे बहुत टाइम है। मैं सबको एक एडवाइस देना चाहूँगा भाई, कोई भी एयरपोर्ट मतलब ट्रैवल करना चाह रहा हो एयर से, तो भाई 2 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आए और टाइम से पहले अपने लगेज वगैरह जो भी है अपना सामान लगाए। और देखिए सिक्योरिटी चेक इन, और आगे हमारे विकास भाई, ये भाई लखनऊ एयरपोर्ट। देखिए भाई एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये बोर्डिंग पास ये होता है, जो भी नहीं जानता हो तो ये आगे काउंटर पे मिल सकता है और मशीनें होती हैं उसमें निकल सकता है। ये वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है तो इसकी वजह से मैं अभी इसको इसके सिक्योरिटी चेक इन के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, सिक्योरिटी चेक इन के बाद कंटिन्यू करूँगा वीडियो, है ना, आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अभी फ़ोन वगैरह सब स्कैन होकर निकलेगा तो इसलिए अभी आगे नहीं कर सकते। तो होगा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है और अब हमें जाना अपने गेट नंबर पर, गेट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है और सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है। अब हम लोगों की फ़्लाइट का टाइम हो चुका है गेट नंबर ऊपर, अब हमें जाना अपने गेट नंबर दिए हुए गेट नंबर वन। और मेरी सीट है भाई 25F। अब देखते हैं क्या होता है, देखिए कितना मतलब भीड़ है एयरपोर्ट पे, लखनऊ एयरपोर्ट पर इतना बिजी। देखिए अभी कुछ समय बाद इंटरनेशनल भी होने वाला है, नया टर्मिनल बनना है यहाँ पे, और कासिम भाई वो जाते हुए हमारे विकास भाई अभी। और मैं सबको बताना चाहूँगा जो ज़्यादा पैसे वाला हो, जिसकी इनकम 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ हो, तो भाई शॉपिंग कर सकता है एयरपोर्ट पे, वरना एयरपोर्ट पे शॉपिंग करना मतलब ये है कि भाई जेब खाली हो जाना। तो जो जिसकी इनकम 3 से 4 लाख रुपए महीने हो वो एयरपोर्ट पे शॉपिंग कर सकता है, और यहाँ भाई बहुत ही महंगा सामान मिलता है यहाँ पे। हम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं और ये हमारे साथ है राहुल सोलंकी मथुरा, इनका टेच है टेनिस क्रिकेट, राहुल सोलंकी मथुरा काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, काफ़ी सिक्स के लिए जाने जाते हैं, बहुत नाम है इनका ऑल ओवर इंडिया में। और ये जैसे कि मैं आपको ले चल रहा हूँ, आओ चलो मैं तुम्हें। तो अपना फ्लाइट का टाइम कितना है, समथिंग 8 बजे का है। 8 बजे का है तो अच्छा, आप लोग विकास भाई कहने से जल्दी आ गए इतना, और तुम्हारे चक्कर में ओहो फाइनली हमारा जोन आ चुका। विकास भाई वो क्या नाम, जीशान भाई ने सिगरेट की अभी डिब्बी ली है और ये अभी सिगरेट पियेंगे, सिगरेट की डिब्बी दिख रही है, ये भी तुम्हारे नीचे बोर्डिंग पास के नीचे सिगरेट डिब्बी दिख रही है। विकास भाई ये सारे मुंबई वाले पैसेंजर बैठे हुए हैं, इतनी भीड़ है, और देखो अभी टाइम है बोर्डिंग, राहुल जा रहे हैं अपने फ्लाइट के लिए, अभी फिलहाल बस में बैठेंगे, बस के बाद फ्लाइट में जाएंगे। तो टाइम हो चुका है फ्लाइट का, तो थोड़ा आधा घंटा पहले ही जाएंगे, थोड़ा फ़न कर रहे हैं। तो आज काफ़ी ट्रैफिक था राहुल, जैसे कि कासिम भाई हैं आजमगढ़ से, जो नौमान भाई की नगरी है, नौमान एंड कंपनी सब आप जानते होंगे, नौमान भाई तो बड़ा ही नाम है, मुंबई इंडियन में रह चुके हैं वो। और विकास भाई, जैसे कि आप विकास भाई कल जाम में फंस गए थे आज सुबह क्या आप, तो फाइनली अब जा रहे हैं बस के लिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अब सीधा फ्लाइट में आपको। हमें बस लेने आ चुकी है, अब बस हमें फ्लाइट तक ड्रॉप करेगी और हम एंटर करते हुए अंदर बस के अंदर, और ये हमें फ्लाइट तक ड्रॉप करेगी। और देखिए और हमारी फ्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये सामने जो दिख रही है आपको आकाशा एयरलाइंस। अब हम अपनी फ्लाइट में एंटर करेंगे, अभी एंटर करेंगे हम फ्लाइट में अंदर, और देखिए अभी सारे पैसेंजर्स धीरे धीरे चल रहे हैं और अंदर चलते आ रहे हैं। देखिए अभी और मेरी जो सीट है भाई विंडो सीट है, और मेरी विंडो सीट है जो विकास भाई लेना चाह रहे हैं। राहुल अपने सीट के लिए जा रहे हैं, जैसे कि लाइट का थोड़ा इशू है तो अंदर जाके मैं अच्छी वीडियो देता हूँ आपको। अच्छा। फाइनली एंट्री करते हुए अपने फ्लाइट के और के लिए, तो फिलहाल राहुल जी नमस्कार, राहुल की सीट है C20, तो अंदर जा रहे हैं राहुल सोलंकी, बहुत खुश हैं। तो गाइस मेरी सीट है 25F, और जो कि अभी पीछे है, धीरे धीरे पैसेंजर्स भी जाते हुए, और हमारे विकास भाई भी और कासिम भाई भी। विंडो सीट मेरी थी और विकास भाई ने पहले जाके कब्जा कर लिया है, पहले जाके विकास भाई ने कब्जा कर लिया, विंडो सीट मेरी थी, और जिस किसी को मतलब कोई भी दिक्कत आती है तो एयर होस्टेस से पूछ सकता है। और देखिए अभी बोर्डिंग भी स्टार्ट है,
जिशन भाई तुम आदमी ही अलग। गाइस हम लोग अब बैठ चुके हैं और अभी हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे मुंबई एयरपोर्ट पर और आप सबसे मुलाकात होगी मुंबई एयरपोर्ट पर। ओके आ चुके हैं फ्लाइट के छोटे से नागर विमान में इंद्रालय ने अपनी विमान सेवा पोर्टल को अपग्रेड किया है जो इंटरेक्टिव वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए सुगम है। सोशल मीडिया के साथ सुरक्षित साइन अप और लॉगिन। अरे जीशु भाई जो है वो अभी आपने कुछ ऑर्डर किया है क्या? मैं क्रू मेंबर से बोला हॉट वाटर के लिए, तो थोड़ा मेरे पेन हो रहा था ना। क्या हो रहा था? पेन हो रहा था। पेन अभी क्या बोले थे? पेन हो रहा था। और कुछ कहना चाहोगे आप? वो बहुत बोरिंग सफर है, मेरी बात माना तो किसी को आना चाहिए। फ्लाइट ट्रेन पे करो, कार पे करो, फ्लाइट पे करो, बहुत इंटरेस्टिंग। तो हमारे जीजी भाई का कहना है कि फ्लाइट का सफ़र कभी करना नहीं चाहिए, बोरिंग सफ़र होता है। इस बात से मैं भी एग्री हूँ, बहुत बोरिंग सफ़र होता है। एक्साइटमेंट हमारे साथ एक का था विकास चचा का, विकास चचा हमारे विकास के लिए। कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना नहीं चाहिए, भूख लग रही है। इनको भूख लग रही है अभी, फर्जी चीज़ ऑर्डर करके वहाँ मंगा लिया। अभी इनको भूख लग रही, देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। और कासिम भाई तुम्हें क्या हो रहा है, भूख लग रही तुम्हें भी? भाई को पहले खिला उनको भाई का पानी आ गया, हॉट वाटर आ गया है। भूजल भूजल गया इनका। विकास भाई ये आपको लगेगा, आपकी कान का दर्द हो रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे को होता है। जैसे विकास भाई आप जब माइक ले रहे हैं, इनको नींद कभी आई नहीं है, इसी में इनके सर में दर्द हो रहा है, कानों में दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशान है, बहुत ही बेबस और लाचार है। क्या करें, फर्स्ट टाइम है भाई, एडजस्ट करना पड़ेगा। विकास भाई जैसे कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, कैसा फील हो रहा है आपको? हेजिटेशन वगैरह है, इफ यू डोंट माइंड? बिकॉज एडीज इज सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ले लिए मेरे के लिए, और सोया स्टिक जी बटका। और भाई अभी ऑर्डर करने के बाद दिखाते हैं आपको क्या क्या ऑर्डर किया जीशान भाई और विकास भाई ने। गाइस हम लोगों ने ये ऑर्डर किया है, चिप्स वगैरह जो भी है देखिए, और मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ। एक मखाना ले लो, काफ़ी टेस्टी है। और विकास भाई ने ऑर्डर कर दिया, हमारे जीशान भाई जो है वो देख रहे हैं हम लोगों को। राहुल ने नाचोस लिया था, ये नाचोस की जो डिमांड थी वो जीशान के कहने पे थी कि वन सोया स्टिक एंड नाचोस, बट जीशान देखिए गुस्सा हो रहे हैं, जिसान उनका खाने का मन नहीं है, राहुल मना रहे हैं। चलो कोई नहीं, ले लो वापस ले लो, कोई बात नहीं। अगर राहुल वो नहीं ले रहा है तो रहन दो, ले लो ले लो, मखाने ले लो। अरे कुछ ले लो जिशान, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू जिशान, वेलकम जिशान, थैंक यू जिशान। मुंबई में बहुत गर्मी पड़ रही है। लैंड होते हुए और ये मुंबई एयरपोर्ट, भाई देख लो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और लैंड हो चुके हैं। लैंड कर चुके हैं, रात सो लगी, हम मुंबई आ चुके हैं, अपने जा रहे हैं। फाइनली गाइस हम लोग मुंबई
एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अब हम जाएंगे अपना सामान लेने लगे, जो कि हमारा बेल्ट नंबर 14 पर आएगा। आपको सामान लेके बाद आपसे कंटिन्यू बातचीत करते रहेंगे। और हमारे जीशान भाई ये फ़ोन के अलावा कहीं फोन ओनली फ़ोन पे लगे हुए हैं। आज ये विजिट कर चुके हैं राहुल सोलंकी और ये बहुत इन्होंने इन्जॉय किया है, बहुत अच्छा इनकी जर्नी रही है। जैसे कि मैं बता रहा था, मैं अभी फाइनली मुंबई आ चुके हैं, अच्छा फील कर रहे हैं काफ़ी। अब ये थोड़ा अपना सामान का वेट कर रहे हैं। तो जैसे सामान का लिए आपको कितना टाइम लगेगा लेने में? अभी हमारे बैट हैं, हमारे 3 बैट हैं, अभी आने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में टाइम तो लगता ही है। आई नो वेरी वेल, बट फिर भी हमारे कासिम भाई को ठंड लग रही है। अच्छा, दूर आ गए क्या ज़्यादा? दिन का टेम्परेचर मेरे हिसाब से 45 रहता होगा टेम्परेचर, यहाँ तो ऑलमोस्ट गर्मी रहती है, ठंडी तो अपने यहाँ यूपी में, यहाँ तो कहाँ महाराष्ट्र में ठंडी। बढ़िया है। अभी चलो हम जैसे कि हम सामान का वेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अभी जो है थोड़ी हमारी फ़्लाइट थोड़ा दूर लगी हुई थी, तो अभी हमारा जो लगेज है, हमारे जो बैट हैं, वो थोड़ा भी टाइम लगे उन्हें आने में, जो हम वेट कर रहे हैं। देखिए अभी एयरपोर्ट पे विकास भाई मस्ती करते हुए, और ये हमारे चार्ज हो नहीं पाएगा, फोन चार्ज नहीं हो रहे हैं इनके, फोन चार्ज कर रहे हैं अभी। जब तक देखिए अभी गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी हुई है, गाड़ी हमें लेने आई है, और एक फ़ोन चार्जिंग में लगे, मेरा भी फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ है भाई, और यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं जब तक हमारा लगेज नहीं आता। हमारा जो लगेज था, हमारे क्रिकेट बैट थे, वो हमें मिल चुके हैं। तो अब हम बहुत टाइम लगा है, अब हम जा रहे हैं एग्ज़िट बाहर की तरफ। अब देखो कितना टाइम लगता है, टैक्सी खड़ी हुई है हमारी, अब हम टैक्सी खड़ी हुई है बाहर, देखते हैं अपनी गाड़ी पे करते, फिर यहाँ से कितना दूर हमारा ग्राउंड है, कितना दूर हमारी लोकेशन है, कहाँ जाना है, वो अभी हम आपको अभी सारी जानकारी देंगे ब्लॉग के अंदर। और ये देखना, ये हमारे भाई लोग, वेलकम टू माय ब्लॉग राहुल सोलंकी, वन मैन आर्मी सिंगल विकेट के। ओहो माय गॉड, थैंक यू, इन्होंने जीत लिए हैं। थैंक यू हारते हैं तो फेसबुक पे अपडेट हो जाता है तुरंत। भाई बहुत लेट हो चुके हैं हम, क्योंकि फ्लाइट जो डिले हो गई थी और रनवे पर आधा घंटा खड़ी हुई थी, तो परेशान हो, काफ़ी परेशान है, भूख भी लगी हुई है। और अभी देखो टैक्सी पकड़ते हैं, कोई भाई हमारा मुंबई में हो तो हमें लोगों को खाना पहुंचा दे एयरपोर्ट के। अभी हमारा जो हमारी जो टैक्सी खड़ी है, जो गाड़ी हमने मतलब हमारे हमें लेने आई है, लोकेशन कितनी दूर है अभी हमें आपको बताएंगे, और पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके हम कुछ खाना खाएंगे पियेंगे, और आगे चल के बताते हैं आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी बताते हैं आपको। मैं सबको एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी लोग एयरपोर्ट में आएँ और मतलब खाने के लिए अपना सामान घर से लाएँ, जो भी है, मैं जो भी अपने सस्ते लोगों की तरह बताना चाह रहा हूँ, जीशान भाई की तरह, तो जो भी है यहाँ एयरपोर्ट में जो बहुत ही सामान जो भी है बहुत महंगा मिलता है, तो एक्स्ट्रा बहुत ही एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो इसकी वजह से हम कहना चाहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा सेव करें, क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा लूट होती है, बहुत ज़्यादा पैसे का मतलब सामान मिलता है, तो इसलिए आगे से अपना देखें भाई, सभी भाई लोग शूट हो रहा है इनका, खिलाड़ी लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा है, क्योंकि जी शानी पहली बार मुंबई आए और विकास भाई भी पहली बार आए, पहली बार नहीं, विकास भी तो आ चुके हैं, पर आ चुके हैं ठीक है। और अभी मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले ही आया था, व्लॉग जब मैं बनाना स्टार्ट नहीं किया था, मैं ओनली क्रिकेट वीडियोस डालता था। आगे चलते हैं, आपको ले जाते हैं। लोग बाहर निकल चुके हैं, अब हम अपनी पार्किंग में जाएंगे, हमारी पार्किंग का नंबर है P5। तो अभी सामने देखो, अभी कौन सा पार्किंग देखते हैं, अभी धीरे धीरे पार्किंग की तरफ जाते हुए हम लोग, और हमारे कासिम भाई साथ आए, वो दोनों फोटो शूट में लगे हुए हैं। देखो हमारे दो लोग कैसे आ रहे हैं, अनजान बन के आ रहे हैं दोनों, देखिए अनजान बन के आ रहे हैं भाई। ये जो एयरपोर्ट की पार्किंग है बहुत ही दूर थी, और मतलब मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके मैं थका हुआ हूँ। मैं उससे पहले भी मैच खेला हुआ था, दो दिन से कंटिन्यू मैच खेल रहे थे हम लोग, और हम लोग पार्किंग में जाते थे पैदल पैदल, परेशान हो चुके हैं, अभी किसी से पूछ रहे हैं। हम P5 में आ चुके हैं अपनी पार्किंग में, और अभी हम अपनी गाड़ी के पास जाने वाले हैं पार्किंग में, जो भी गाड़ी हमें लेने आई है गाड़ी में हम जाने वाले हैं, और आपको मिलाते हैं फिर, कौन सी गाड़ी हमारी, कौन सी गाड़ी हमें लेने आई है, फिर हम आपको मिलाते हैं। ये जो है ये बहुत शातिर हैं जीशान, जो है अपना अपना काम निकाल के निकल जाते हैं। लाल सोलंकी यहाँ P5 में वेट करते हुए पार्किंग में, बहुत देर बाद इनको पार्किंग मिली है,
काफ़ी इनसे थोड़ा गलती हो रही पहुँचने में, हमारी गाड़ी नहीं आ रही है, हम काफ़ी देख के गाड़ी में बैठना है क्योंकि यहाँ पर किडनैप कर लेते हैं लोग। अभी गर्मी है तो मतलब दिन में कितनी गर्मी होगी, कितनी गर्मी लग रही है भाई? बहुत गर्मी होगी आई नो, मुझे पता है। एक अच्छा सा होटल दे दो एसी वाला, बस उसी में घुसे जाएंगे। ठीक है, गुड, बेस्ट विशेस फॉर मैच। हम लोगों को गाड़ी मिल चुकी है और भैया ने काफी हमें परेशान किया, अभी इतनी लेट आया भैया और गाड़ी में बैठ गए। मैं भाई थोड़ा लंबा जा रहा हूँ तो मैंने आगे वाली सीट चुनी है, तो मैं आगे बैठ के जाऊँगा। और हमारे कासिम भाई बैठ चुके हैं, अभी इतकार से बैठ रहे हैं और जीशान भी बैठेगा अभी। अभी दो भाइयों को, अभी हमें दो भाइयों को उठाना है, अभी उनसे भी मिलाते हैं आपको, जुड़े रहिए हमारे साथ व्लॉग में। नीचे लोग निकल चुके हैं, हमें जाना है वापी और पहले एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, रुकना नहीं है ना, फिर हम निकलेंगे, फिर हम निकलेंगे नीचे। लोग रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, फूड इन रेस्टोरेंट। अभी अंदर जाके कुछ ऑर्डर देंगे खाने पीने का, क्या खाते हैं ये लोग। हमारे गाड़ी से उतर रहे हैं लोग, हमारे सभी लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए रेडी होकर। जो ऑर्डर दिया था वो हमने मंगा चुके हैं, अब हम खाना खा रहे हैं, फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे और हम अपने व्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं, फिर आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में, खाना खाने के बाद आपसे मिलेंगे। हम लोगों ने खाना पीना खा के हम लोग फ्री हो चुके हैं बिल्कुल। अब देखिए रात में कुछ दिख नहीं रहा, इतने गोरे गोरे लड़के रात में दिख नहीं रहे, तो हम लोग निकल चुके हैं, वापी जाना हमें गुजरात, तो हम लोग गुजरात के लिए निकल चुके हैं। अब हम लोग आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, सभी भाइयों को राम राम, सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज, सभी भाइयों को सब बखैर, पंडितों में क्या बोलते हैं, जय हिंद जय भारत, सभी लोगों भाइयों को बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले व्लॉग में भाई।